अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। नाश्ता वाश्ता कर लिया हम लोगों ने, और अभी आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे कहाँ खड़ा हूँ। मैं असल में आया हूँ इरशाद के भाई के घर पे, जो मेरा दोस्त है इरशाद, उसके भाई के घर पे। उसने भी दावत दी थी रात को, यहीं पे स्टे किया हमने रात को आगे। ये देखें यहाँ पे, ये पटरी की लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन वेन नहीं आती है। और फवाद को आप देखें, वहाँ जो है ना बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखें, वहाँ भी जाते हैं, यहाँ पे इनको क्रिकेट ही खेलना होता है। और क्रिकेट का क्रेजीनेस जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो आज चलते हैं, प्लान है कहीं जाने का, तो देखते हैं कहाँ चलते हैं। निकलते हैं, बस तैयारी करते हैं निकलने की। अभी हम निकल चुके हैं पीर छत्र शाह के लिए, और इरशाद भाई के भाई जो है आसिफ, ये बैठे हुए हैं मेरे साथ, और ये गाड़ी चला रहे हैं। आगे गाड़ी में जो है फवाद और वली उसमें बैठे हुए हैं। दो गाड़ियाँ जा रही हैं हमारी। और नाश्ता कर लिया, खूब सही के मंड के किया है, और थोड़ा सा लंबा रास्ता है, और पहुँचते देखते कितना लंबा रास्ता है। भाई कितना लंबा रास्ता है? 2 घंटे का है। 2-3 घंटे का रास्ता है, तो इंशाल्लाह बस खैजे से पहुंच जाएं, और जाके फिर आपको वो जगह भी दिखाएंगे कैसी जगह, क्योंकि मैंने खुद अभी तक नहीं देखी, सिर्फ मैंने वीडियोस देखी है। तो चलते हैं, फिर रास्ते में दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सरदार हैं लाशारियों के, तो उनके पास जा रहे हैं हम मिलने के लिए। ये देखिए भाई, ये सारे दिख रहा है आपको। अच्छा, ये सारे जो है ना अब यहाँ पे बैठे हुए, और ये सरदार साहब है यहाँ बैठा मिलने के लिए। तो गाइस, फाइनली हम 6 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं पीर छत्र शाह नाम है इस जगह का, और मैं आपको दिखाता हूं कि कितना खूबसूरत है। ये मुंह पैर हाथ सफ़ेद हो गए सारे, मैं आपको दिखाता हूं क्या है। ये देखिए मछलियाँ, देखिए कितनी बड़ी इधर, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए आप, ये देखें भाई, ये मछलियाँ देखें आप, कितनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह। ये देखें, अभी टच द वाटर, फील द वाटर। यार ये माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी मछली है, आई वांट टू, आई रियली वांट टू। जबरदस्त है, खूबसूरत है माशाल्लाह। फवाद सर बस धो लो बेटा, आपके बहुत मट्टी में हो रहा सर, वहां से पिक बनवा फा दे। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना इतना खूबसूरत एरिया है, ये मैं बोलता हूँ आप नॉर्दर्न की तरफ ना जाएं, कहीं ना जाएं, आप बलूचिस्तान को पूरा एक्सप्लोर कर ले, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना खूबसूरत है। मैं यहाँ पे आया हूँ, और यकीन करें कि मैंने पहले कभी ऐसा, एक तरह से पॉन्ड बना हुआ है ये, और इतनी बड़ी बड़ी फिश है इसके अंदर। ये वली भी इसका फैन हो चुका है। वली, व्हाट यू से अबाउट दैट? परफेक्ट, परफेक्ट टेंपरेचर आल्सो, लाइक अ बाथटब। इन विंटर यू आर फीलिंग लाइक अ, इट्स एक्चुअली वाटर, इट्स क्रिसमस। It's Christmas. In my home, it's Christmas, and here I am swimming in your oasis of Baluchistan. Celebrating the Christmas in Baluchistan. देखिए फवाद को देखो। अच्छा, ये जो है ना, ये इधर का मज़ार है, और इधर देखें इस तरह से इधर कब्रें हैं, ये जंगल के अंदर देखें आप किस तरह से, ये मज़ार है इधर, ठीक है, ये मज़ार है। ये इधर कुंडी लगी है, मैं खोलूँ नहीं खोलूँ पता नहीं, खोल सकते हैं ये, खोल सकते हैं इधर,
आउट ऑफ हाथ। बिस्मिल्लाह। देखें ये है मज़ार यहाँ का, ठीक है। पीर छत्तर शाह नूरानी, इनका नाम है पीर छत्तर शाह नूरानी। तो हम जो इतनी दूर आए ना, वो इनके नाम से ये जगह है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ। ये बलूचिस्तान के पहाड़ हैं। देखें आप यहाँ पे पीछे देखें, सारा एरिया जो है पहाड़ी इलाका है, और ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखें यहाँ पे मैं था पहले, यहाँ पे नीचे ना एरिया है वो। ठीक है, तो ये वली जो है ना ड्रोन उड़ा रहा है इस वक्त, और सारे ड्रोन पे लगे हुए, तो ड्रोन से वीडियो बना रहे सारे। तो ये देखें आप कितना प्यारा व्यू है इसका, देखिए ज़रा। ये देखें बहुत खूबसूरत जगह है ये, देखें आप। हेलो, नजदीक फेंको, करीब फेंको था कि यहाँ पे आ। देखो ये फेंको, फाड़ दिया, गाजर तोड़ के फेंको। तो गाजर तोड़ के यार, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये रात का व्यू है। देखिए इसमें मछलियाँ कितनी बड़ी बड़ी। अब ये देखें गाजर फेंका, ये देखें, ये देखें, ये देखें भाई, वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ। मैं आपको करीब से दिखाऊँ थोड़ा सा और। ये देखें आप, देखें फौद फेंको, फेंको फेंको फौद, माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए लड़ती हैं, पकड़े। इधर चलो। अच्छा जो अभी हम वहाँ से आए ना, जिस इलाके से, अब ये सरदार साहब के कोई जानने वाले, उन्होंने दावत दी है हमें, तो हम उनके घर पे आए दावत में। अब यहाँ पे डिनर करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे, तो चलते हैं उनकी तरफ अंदर। अच्छा ये यहाँ की सकाफती तलवारें हैं जो तकरीबन 700-800 साल पुरानी हैं, और ये अंकल हैं इनके पास है यहाँ पे, इन्होंने संभाल के रखी हुई। 400 साल पुरानी, सॉरी 400 साल पुरानी। ये देखें ये तीर कमान है, और ये तलवार है, ये देखें। तो गाइस फाइनली हम अब आ चुके हैं उन्हीं घर पे वापस, उधर से होके। और रास्ते में आप यकीन करें कि बाल बाल बच गए, इधर कोई हिसाब किताब होता है दुश्मनी का तो अल्लाह ने बचाया। बस वो जिनको ढूंढ रहे थे वो हम नहीं थे, तो वो तो हमारे सामने बंदूकें लेके आ गए थे, लेकिन बस अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है। तो असल में हम बहुत ही गलती की हमने, कि रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे हम रात को बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ों की तरफ घूम रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और बस क्या बताऊँ आपको, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, करते हैं अल्लाह हाफिज़। फवाद भी सो गया है, तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में।